डीएन हरियाणा नंबर वन हरियाणा देख रहे दर्शकों को नमस्कार। इस मौजूद है जुलाना के तहसील कार्यालय में। आप देख सकते हैं किसान संगठन इकट्ठा हुए हैं और निष्पक्ष रूप से गिरदावरी की मांग कर रहे हैं। जो फसलों को नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, तहसीलदार के माध्यम से सीएम मनोहर लाल खट्टर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। क्या कहते हैं किसान नेता, आइए जानते हैं। किसान एकता जिंदाबाद। किस बात को लेकर इकट्ठे हो? जैसा कि बेमौसमी बरसात के कारण पूरे हरियाणा में और तकरीबन उत्तर भारत में फसलों का बिल्कुल 100% नुकसान हो गया, उसकी सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से गिरदवारी करी जाए और जल्द से जल्द उचित मुआवजा किसान को दिया जाए ताकि अगली फसल को टाइम पर बुआई कर सके और उसका आर्थिक कुछ मदद मिल सके। उसी को लेकर के आज तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं। दो दिन के अंदर अंदर इस गिरदवारी को सही तरीके से, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, प्रॉपर तरीके से गांव में जा करके एक एक खेत को चेक करके उचित मुआवजा दिया जाए और उसकी गिरदवारी मतलब निष्पक्ष तरीके से की जाए, इसको लेकर के आज किसान इकट्ठे हुए। अगर एक दो दिन के अंदर गिरदावरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? जैसा आपको पहले पता था, यहाँ पे पहले भी एक आंदोलन हुआ था, छोटा आंदोलन चल करके बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था। तहसीलदार को भी अच्छे से पता है, इस तहसील के जो किसान हो बड़े जागरूक हो चुके हैं अपने हकों के लिए। यहाँ पे फिर बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और बड़ा आंदोलन के लिए फिर प्रशासन को तैयार रहना पड़ेगा। जी सर, किस बात के लिए इकट्ठे? आज हमारे किसान यूनियन के साथी और हमारे आसपास के किसान, हम यहाँ पर उनका साथ सहयोग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आपको सबको पता है कि बेमौसम जो बारिश और ओलावृष्टि क्षेत्र में हुई है, फसलों को नुकसान नहीं, बिल्कुल फसल खत्म हो गई। हमारा सरकार से अनुरोध है, हम सरकार को सीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए तहसीलदार साहब के माध्यम से यहाँ पर आए हैं कि ताकि जल्दी से जल्दी गिरदावरी करके और जो उचित मुआवजा और जो नुकसान फसलों का हुआ है किसानों को जल्द से जल्द उस नुकसान की भरपाई की जाए ताकि किसान आने वाली फसल की बिजाई और बुआई समय से कर सके। धन्यवाद। मामला ये है भाई साहब, आप सबको सोशल मीडिया के माध्यम से पता है फसलों में नुकसान तो हो रहा है, लेकिन जो गिरदावरी हो है ना, वो हर बार किसान का जो छोटा और सीमांत किसान उसके पक्ष में होती है नहीं, क्या 60-60 हो गए तो मामलो चाहो भाई, इस बार पता लगना चाहिए किसान की फसल का एक्चुअल जो उसका मुआवजा मिलना चाहिए तो, और जो निष्पक्ष गिरदावरी नहीं होती उसको लेकर एक ज्ञापन सौंपन ला रहे हैं। और यह गिरदावरी अगर लेट हुए हैं तो फिर मारे के में काम है ना, फिर वो 500-500 रुपये मुआवजा फिर तड़े मारेंगे, फिर रोड जाम कराएंगे, आम पब्लिक परेशान होगी, पब्लिक ने मिलवा क्या भाई, किसान परेशान कर रहे हैं। इसलिए पहले एक संदेश देना है भाई, जिन किसानों की फसल खराब हो चुकी है, क्योंकि फसल बीमा योजना के तहत भी बहुत सारे किसानों के बीमे रिजेक्ट हो गए, कारण के था सीएससी सेंटर बंद कराए थे, आड़े पटवारियों ने आज भी बाड़ी खड़ी है, 15-20 दिन पहले विज्ञापन दे गए थे मामे, वो खेत खाली दिखा दिए गए, इस बार भी ऐसा काम ना करेंगे पटवारी, अरे गिरदावरी सही तरीके कर दे। इसी बात के लिए पूछे। हाँ जी, भारतीय किसान यूनियन का देश था कि अपने अपने ब्लॉक स्तर पर जाकर सही तरीके से गिरदावरी की मांग करो और उचित से उचित मुआवजा। किसान यूनियन का कहना है कि 50% से मुआवजा शुरू होना चाहिए और उससे ऊपर 100% तक नुकसान है किसान को, किसान का नुकसान की भरपाई करी जाए सरकार, और किसानों की यही मांग है जल्द से जल्द करी जाए। कितना मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से? किसान को 25-30 हज़ार रुपये शुरुआत से लेकर 50-60 हज़ार रुपये तक मुआवजा मिलना चाहिए। और हर बार अपने जुलाना ब्लॉक क्षेत्र में गिरदौरी में गड़बड़ घोटाले ज़्यादा होते हैं, हम तहसीलदार से अपील करने आए हैं कि हमारी गिरदौरी निपिस तरीके से हो जाए और जो जमींदार का नुकसान है उस तक पैसे पहुँच जाएंगे, ये हमारी मांग है। आज तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, एक दो दिन का टाइम देंगे, अगर हमारी मांग पूरी होगी तो ठीक है, नहीं फिर बहुत बड़ा आंदोलन दोबारा करेंगे। ले लें भाई, दुनिया ऐसी भाई।